हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत कॉमन है, बट उसमें क्या है कि हम लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या बीमारी है और ये बीमारी हमें हो क्यों गई है। तो ऐसा टॉपिक है हर्पीस। आज हम बात करेंगे हर्पीस, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है कि कोल्ड सोर्स, जो कि फीवर के बाद हमें अपनी बॉडी पर देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं हर्पीस के बारे में। हर्पीस एक वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, छोटे बच्चों को भी हो सकता है, टीनेजर्स को भी हो सकता है, आफ्टर प्यूबर्टी भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है। अब ये जो हर्पीस वायरस होता है, ये कम्युनिटी के कुछ उन लोगों को इफ़ेक्ट ज़्यादा करता है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज से मेरा मतलब है जिनकी इम्यूनिटी किसी तरह से वीक हो गई है, या फिर कोई और बीमारी उनके शरीर में है, या फिर कुछ लोग वो कम्युनिटी के लोग जो कि एक ओवरक्राउडेड प्लेस में रहते हैं। ओवरक्राउडेड प्लेस में रहने से क्या होता है, ये जो वायरस है पर्सन टू पर्सन फैल सकता है, जल्दी जल्दी हो सकता है। या फिर इसका तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि उस इंसान की बॉडी में पहले इन्फेक्शन हो गया था और नेग्लेक्ट किया गया है, तो बार बार हर्पीस का जो सिम्टम्स है बॉडी में देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हर्पीस होने का क्या कारण है और हमें बॉडी पर ऐसे क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं कि जिससे हम पहचान सकें कि हमें हर्पीस की बीमारी ही हुई है। तो हर्पीस का कारण, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वायरल इन्फेक्शन है। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होता है। अब किसी भी मेल में, फीमेल में, या किसी भी एज ग्रुप के पर्सन में अगर ये वायरस प्रेजेंट होता है, तो अगर इस वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो हर्पीस की बीमारी आ सकती है। जो हर्पीस के जो सिम्टम होते हैं वो देखे जाते हैं, फेस पर देखे जा सकते हैं या फुल बॉडी पर देखे जा सकते हैं। हर्पीस दो टाइप्स का होता है। टाइप वन हर्पीस जो होता है वो आपके माउथ के आसपास, या फिर नोज़ के आसपास, या फिर आपके फेस पर हो सकता है। हर्पीस टाइप टू जो होता है वो आपके जेनिटल ऑर्गन्स पे हो सकता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टाइप वन आपके फेस पर ही होगा। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है दोनों जो टाइप है क्रॉस करके अलग अलग जगह पर भी हो सकते हैं। तो अगर आपको फेस पर हर्पीस हुआ है तो आप समझ जाइए टाइप वन आपको कॉमनली हुआ होगा। अगर जेनिटल्स पे अगर कोई हर्पीस की समस्या से सफ़र कर रहा है तो उसका टाइप टू होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हर्पीस के सिम्टम क्या होते हैं, कि हर्पीस अगर हमें हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे। तो हर्पीस का जो पहला सिम्टम होगा वो होगा कि आपके माउथ के अराउंड छोटे छोटे ब्लिस्टर्स आ रहे होंगे। हर्पीस का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ये होता है कि जो हर्पीस के जो इरप्शन होते हैं, जो दाने होते हैं, वो ग्रुप्स में होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, और नंबर के साथ ये आपको बर्निंग, इचिंग या फिर पेन भी फील करा सकते हैं। आपने देखा होगा कभी ना कभी आपकी लाइफ टाइम में आपको फीवर के बाद माउथ के आसपास आपको छोटे छोटे फीवर ब्लिस्टर्स आए होंगे, छोटे छोटे दाने आए होंगे जिसमें पस होता है, ये पस फिल्ड होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हर्पीस के जो इरप्शन होते हैं उनके अंदर पस होता है, वो नंबर्स में एक या एक से ज़्यादा ये हर्पीस के इरप्शन हमेशा ग्रुप में मिलते हैं, छोटे छोटे दाने होंगे और उसके अंदर आपको दर्द भी हो सकता है। ये तो हुई टाइप वन के हर्पीस के सिम्टम की बात। अब बात करते हैं टाइप टू, जो कि हर्पीस आपके जेनिटल्स पे आ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बर्निंग या फिर पस फील्ड जो इरप्शन छोटे छोटे बहुत सारे इन नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो हर्पीस जेनिटेलिस आप उसको बोल सकते हैं। तो ये आपके सिम्टम्स हुए, तो आप पहचान जाएंगे कि अगर पस आ रहा है, बहुत सारे नंबर में छोटे छोटे ब्लिस्टर्स आपको हो रहे हैं, पेन भी है उसमें, आपको इचिंग भी हो रही है और बर्निंग भी हो रही है, तो हर्पीस के सिम्टम आपकी बॉडी पर आ रहे हैं। अब जो हर्पीस के सिम्टम होते हैं वो 3 दिन तक जनरली रहते हैं। अगर 3 दिन के बाद वो ठीक हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी पर इसकी रिकरेंसी नहीं होगी। अगर हर्पीस का आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, जब आप हर्पीस से सफ़र कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में या आपकी स्पाइनल नर्व्स में जाके लेटेंसी फॉर्म में आ जाता है और ये आपकी बॉडी में बार बार हो सकता है। जो हर्पीस का जो पहली बार आपका बॉडी पर इन्फेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। अब जब हर्पीस आपकी बॉडी में बार बार होने लगेगा तो रिकरेंसी कंडीशन में आपकी बॉडी पर ज़्यादा सीवियर कंडीशन में नहीं होगा,
मामूली से सिम्टम वो दिखाएगा, ज़्यादा दर्द ज़्यादा इचिंग आपको नहीं होगी। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको लाइफ टाइम में पहली बार हर्पीस हुआ है तभी आप इसका इलाज लें, तभी आप इसको अपनी बॉडी से ख़त्म कर दें, जिससे आपको आपकी लाइफ में बार बार हर्पीस से सफ़र ना करना पड़े। क्योंकि कभी कभी ये बहुत सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि ये जो वायरस है ये कॉन्टेजियस होता है, पर्सन टू पर्सन फैलने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप हर्पीस से सफ़र कर रहे हैं या फिर आपको हर्पीस बार बार भी हो रहा है, तो आपको हर्पीस का ट्रीटमेंट कराने की बहुत ज़्यादा नीड है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर हर्पीस एक बार बॉडी में आपके बैठ गया या फिर रिकरेंसी हो गई, तो ये आपकी बॉडी को, इम्यूनिटी को आपकी वीक करेगा। तो मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपके हर्पीस के जो सिम्टम है उनका कारण जान के, आपका केस टेकिंग के दौरान आपका रूट कॉज जान के उसका ट्रीटमेंट करेंगे और आपको हर्पीस से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।